अस्सलाम वालेकुम। इसमें क्या कहते हैं जी, आज का जो लेसन है हमारा वो है करेक्टर रिगिंग के ऊपर, कि करेक्टर ट्रैक्टर को रिग कैसे कैसे करना है। तो रिगिंग से पहले एक हमें ट्रैक्टर बनाना मतलब छोटा सा काम नहीं है, कि हमें पहले ट्रैक्टर को बनाना है 3D Max के अंदर, फिर उसको रिग करना है, यानी हमने उसको वाइप के साथ कॉन्फिगर करना है। ठीक है, तो अगर करेक्टर मेकिंग जो है थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस हो, वैसे हम लोग माया वगैरह नहीं है 3D Max में भी करेक्टर को बनाते हैं, लेकिन वो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। आज के दौर में हमारे पास नेशन हॉल ऐसी वेबसाइट्स हैं, टूल्स हैं, जो कि हमें बने बनाए करेक्टर्स दे देते हैं, जिनमें लाइक हमने ये एग्जाम ऑफ व्यूज को भी पढ़ा था, जिसके अंदर डिफरेंट करेक्टर्स बनाने की फैसिलिटी थी, करेक्टर्स की शेप वगैरह चेंज करने की, उनके हेड्स वगैरह वो हमारी कंपोनेंट्स उसका मौजूद थे हमारे पास, कस्टमाइज करें तो यहाँ हमारे पास इसकी लुक्स वगैरह पे था, एक्सप्रेशन कैसे देने हैं, एक्स्ट्राज में है थोड़ा सा, आइज आइज वगैरह के बारे में था, हेड है, लेग्स है, टीथ है, तो उसके बारे में मतलब आप शेप वगैरह जो है अपनी वो मोटे या मोटा बंदा है या हल्का बंदा है, जिस तरह की शेप होना चाह रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ से एडजस्ट करके, क्लास वगैरह भी यहाँ बहुत सारे पड़े हुए लाइक टॉप्स हैं, बटन्स हैं, उनके शूज़ हैं, हेयर्स हैं, उसके अलावा हेड्स हैं, आईवियर्स हैं, और इस तरह बियर्ड्स हैं, ग्लव्स हैं, मास्क हैं, और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ हैं, यहाँ भी हमारे पास बहुत कुछ पड़ा। इसके बाद टेक्सचर था कि हम उसको हमें यूनिफॉर्म यहाँ से, जैसे मैंने ये यूनिफॉर्म लिया है इसके अंदर से, ठीक है, तो इसके अंदर से मैंने ये यूनिफॉर्म यहाँ पर लूँ, तो ठीक है, यहाँ यहाँ से मैंने ये पेंट लिया है इसके अलावा, और इसके अलावा यहाँ देखेंगे हम टॉप्स हैं, इसके अंदर से मैंने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट की हैं, और ये ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट को बना के हमने अपलिक करना होता है, यहाँ तो लेकिन यहाँ भी मौजूद है। एक तो रास्ता था जो कि हम यहाँ से इसे लेके जाते थे एनिमेट करने के लिए, कहाँ पे मिक्सामो में ले जाते थे, और तो यहाँ से अपलोड करते थे, फिर यहाँ से डाउनलोड करके हम किसी एक एनिमेशन के साथ ले लेते थे जो एनिमेशन यहाँ अवेलेबल थे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमने अपना ट्रैक्टर बनाया और उसको एग्ज़ामो में लाए, और एग्ज़ामो में ला के यहाँ से उसे एनिमेशन दी हमने। एनिमेशन देने के बाद हम उसे अपनी जगह पे ले गए जहाँ हमने उसे यूज़ करना है, यानी हमने कहा यूज़ करना उसे यहाँ पे। लेकिन वो एनिमेशन जो हम इसकी होंगी, वो मतलब जो एनिमेशन यहाँ मौजूद होंगी वो वही होंगी, वही एक्स करेगा। उन एक्स को हम ऐड कर सकते हैं कि पहले ये एक्स कनेक्ट कर लिया कि वो इस तरह का डांस कर रहा है, फिर दूसरा इस तरह का कर रहा है, फिर ये चीज़ कर रहा है, फिर ये चीज़ कर रहा है, तो डिफरेंट एक्स को हम उसको कंबाइन तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्स क्या होंगे, नहीं के होंगे, हमारे सेल्फ नहीं होंगे। सेल्फ इनके लिए क्या है कि हम करेक्टर यहाँ से जस्ट करेक्टर लेके जाते हैं, तो अगर तो हम इनको नहीं करना चाह रहे, उसको बनाना भी नहीं चाह रहे इसके यूज़ के अंदर, और हम चाह रहे हैं कि डायरेक्टली जो है हम यहाँ से, यहाँ करेक्टर मौजूद है, यहाँ पे बहुत सारे करेक्टर्स हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से करेक्टर आप सेलेक्ट करेंगे, ओके, और उस सेलेक्ट करेक्टर को आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ आके 3D Studio Max के अंदर आके इम्पोर्ट करेंगे उस करेक्टर को, जो भी आपने वहाँ बनाया होगा उसको इम्पोर्ट कर लेंगे यहाँ पर, तो वो इम्पोर्ट हो जाएगा, उसके बाद में हम रिगिंग कर देंगे। रिगिंग करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम जो मूवी बना रहे हैं उसमें हो सकता है हमने कोई भी डिफरेंट एक्ट हो सकता है हमें उससे कराना, ठीक है, तो इसलिए जो है उसका एक्ट जो है डिपेंड करता है कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए तो हमें जो है जस्ट उसके क्या है टी पोज जो है हमें चाहिए होता है उसका, कि वो टी पोजिशन में आपको खड़ा हो और हम उसे जो है उसके जरिए जो उससे वर्किंग करवाना चाह रहे हैं वो जस्ट ले सके, ठीक है। तो टी पोज में यहाँ हमें ये सेम एग्जामों से मैंने डाउनलोड किए हैं, एक में एग्जामों से भी ले जाते हैं, ये मैंने कहाँ से किया, एग्जामा फ्यूज में से किया, यानी यहाँ बनाया मैंने और इसको यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया है एज ए OBG, तो OBG करके मैंने यहाँ पे आके इसे इम्पोर्ट कर लिया। जैसे अभी मैंने जो है FBX से इम्पोर्ट किया है, जो कि कहाँ से आया था, जो कि डायरेक्ट एग्ज़ामों से मैंने डाउनलोड किया, यानी यहाँ एग्ज़ामों में से मैंने डाउनलोड किया। यहाँ आपने अपनी ID बनानी है, लॉगिन होना है, लॉगिन होने के बाद आप जो है उसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपके इस डायरेक्टरी में मौजूद होगा, वहाँ से आपने अपने 3D Studio Max में इम्पोर्ट कर लेना, ठीक है। इम्पोर्ट कर लेंगे तो इम्पोर्ट मतलब आप अभी तो करंटली हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं कि हम करेक्टर जो है कहाँ से ले सकते हैं, एग्ज़ामों में से ले सकते हैं,
उसका एनिमेटेड करेक्टर ले सकते हैं, या मैक्सामो में अडॉप्ट फ्यूज से या किसी और भी टूल से आप ले जा के फिर उसको वहाँ से वापस ला सकते हैं। लाइक मैंने अगर यहाँ बनाया है तो यहाँ से मैं एनिमेट के ज़रिए क्या करूँगा, यहाँ चला जाऊँगा, यहाँ यानी अपलोड कर लूँगा वो जो मैंने वहाँ पे, यानी ये भी हो सकता है कि हमने यहाँ अडॉप्ट फ्यूज में जो बनाया है इसको हम एक्सपोर्ट कर दें यहाँ से ऑब्जेक्ट के तौर पर, और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करें यहाँ पर डाउनलोड कर लें, अपलोड कर लें, अपलोड करें और उसके बाद उसके ऊपर एनिमेशन लगाएं अगर एनिमेशन चाहिए। यानी अगर आपको कुछ एनिमेशन चाहिए तो यहाँ से आप एनिमेशन लगा के रिग करके उसे ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्स हैं ये यही परफॉर्म करेंगे जो कर रहा होगा, अदरवाइज हम अगर कोई छेड़खानी करेंगे तो ऑब्जेक्ट में डिजॉर्प्शन आएगी, ठीक है। लाइक ये देखें अभी जो मैं लाया हूँ वो और जो है वो दोनों मिक्स हो गए क्योंकि यहाँ मैंने वर्किंग की हुई थी इसकी, इसलिए जो है गड़बड़ होगी। तो अगर हम इसको न्यू में लें तो बेहतर है कि मैं बिल्कुल न्यू वाल करता हूँ, ये मैंने जामो वाला ऑब्जेक्ट लगाया, अडॉप्ट फ्यूज वाला ये मजबूत था मेरे पास, अडॉप्ट फ्यूज से लेके गया। तो अगर मैं जामो में से मैंने लाना है तो मैं इम्पोर्ट करता हूँ जामो का, यानी मैंने यहाँ अपलोड यहाँ से डाउनलोड करके रखे थे, गाँव पर रखे थे, इस जगह पर रखे थे मॉडल्स हैं यहाँ पे, और इसके अंदर ये मैक्सामो के ये कुछ बड़े में ठीक है, ये है, इसके अलावा ये जस्पर है, गोब्लिन है, मालकॉम है, टर्न है, ये कुछ मैंने वहाँ से जो है यहाँ से डाउनलोड करके और किए, तो उनको भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक मैं टर्न को ही करता हूँ क्या या जस्पर कर लेते हैं, इसका एक इमेज भी रख लिया होता चलो पता चल जाता कि ये जो है क्या है। खैर यानी ये एक रास्ता हो गया कि हम एग्जामो फ्यूज टू गाँव में एग्जामो में लेते हैं लाते हैं, और एग्जामो में से एनिमेशन करके वहाँ लेके जाते हैं, और एनिमेशन के बगैर अगर लेके जाना है तो देन हम डायरेक्टली यहाँ से उसको एक्सपोर्ट करेंगे एज ए ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को हम इम्पोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। और एक सूरत है कि हम यहाँ से यहाँ जो करेक्टर्स हैं उनको एनिमेशन नहीं लगाते, हम डायरेक्ट जो है जस्ट कोई भी करेक्टर सेलेक्ट करके उसको डाउनलोड का ऑप्शन देते हैं, और यहाँ टी पोज की सूरत में एफ बी एक्स में उसे डाउनलोड कर लेते हैं तो वो मतलब डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा कि हमने उसे यूज़ करना है, यानी डायरेक्ट कोई भी यहाँ से करेक्टर हो सकते हैं। यहाँ बहुत सारे करेक्टर्स हैं लाइक ये 2, 3 और आगे भी इसके सीरीज मौजूद है, तो यहाँ से हम करेक्टर्स सर्च करके भी देख सकते हैं। लाइक ये देखें, ये सर्च में देखते हैं पुलिस देखते हैं, तो ये पुलिस के दो करेक्टर हो गए, ठीक है। तो यहाँ यानी आपको सीरीज भी कर सकते हैं कोई, ठीक है, तो चाइल्ड करके देखते हैं तो इस तरह करके आप वहाँ से सेलेक्ट करके सर्च करके कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनलोड करके यहाँ ला सकते हैं। लाइक ये आप जो है पर जो है ये भैया चाइल्ड है, चाइल्ड का सुनाया हूँ, तो यहाँ देखिए आपको तो ये जो है इसके जो है अपने जो है वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं जो कि ख़राब होके आई हैं, वैसे ठीक नहीं आई, ठीक है। तो यानी या तो ये कम्बल होते तो दूसरी चीज़ें मिक्स हुई हैं, मिक्स एक ही फोल्डर में रखी हैं, फोल्डर आपको अपने हाथ से करें कि फोल्डर आप यहाँ रख लें ताकि हर चीज़ को जब आप डाउनलोड करें तो दूसरे जगह पर मिक्स ना हो चाहिए, ठीक है। तो यानी यहाँ से भी आप ला सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ बना के प्रोडक्ट अपना मॉडल अपना उसको आप क्या करें यहाँ से इंपोर्ट करें, ठीक है। लाइक मैंने जैसे ये पुलिस वाला बनाया हुआ है, पुलिस की पुलिस ये है, तो पुलिस में ये मैंने दो तरह के हमारे इलाके में ये मैंने पुलिस यूनिफॉर्म है उसके हिसाब से मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो अभी जो मैंने बनाया है ये वाला, इसको भी हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं विद टेक्सचर्स ले जाते हैं ताकि टेक्सचर्स भी जाए, तो यहाँ से एक्सपोर्ट करके हम जो है रख लेंगे यहाँ पे पुलिस 3 कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसको फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, इस जगह से हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो लाइक अभी ये पुलिस 3 आ रहा है, ये हो गया होगा कि नहीं देखते हैं,
वेयर इज इट? परसेंट हुआ है। खैर अब हम क्या कर सकते हैं इसको, यानी यहाँ से हम इम्पोर्ट कर सकते हैं ताकि जब वो ये अपलोड हो जाए, ठीक है, तो कोई भी मतलब हम कॉम्पोनेंट वहाँ से इम्पोर्ट करके उसको ट्रिक कर सकते हैं। अब एक तो कुछ एक जगह ही होगी, यानी यहाँ हम कहाँ से ला रहे हैं, ये यहाँ से ला रहे हैं एग्जामो फ्यूज में से। एक और टूल है लाइक ये रीऑर्गेनाइजर क्रिएटर है, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर भी कॉम्पोनेंट मौजूद है, इसके बल्कि टूल के रिसोर्स की टेक बॉक्स 3 GB की वो भी साथ डाउनलोड हो जाती है, तो वो आप लें और उसके ज़रिए आप यहाँ से इसमें चीज़ें ले सकते हैं आपके पास। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इसमें भी शेप वगैरह चेंज के ऑप्शन हैं, ठीक है। इसके अलावा हेयर्स के इसके अंदर सेफ्टी है कि आप हेयर मुख्तलिफ स्टाइल मौजूद है, और इसके अलावा कपड़ों के डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, ये देखें क्लॉथ्स की सेफ्टी है, अपर्स है, बॉटम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा फुल ड्रेस है, तो शूज़ हैं, ठीक है, और भी यहाँ ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, तो हम यहाँ से यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ले सकते हैं। तो ये मतलब स्ट्रक्चर्स भी हैं कि स्ट्रक्चर चेंज करना है, मेल का रखना है, फीमेल का रखना है, वो भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ मेल पे आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ फ्री में कुछ करेक्टर्स मौजूद हैं जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, यानी इनको भी। इसके अंदर भी पॉजेस का ऑप्शन है कि आप पोज वगैरह इनका चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, इसको फॉरवर्ड लाना चाह रहा हूँ, बैकवर्ड लेके जाना चाह रहा हूँ, इसको ट्विस्ट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी हम इसके डिफरेंट पोजेस लेके जा के वहाँ पे रख के इसको भी 3D Max में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। डिफरेंट की फ्रेम्स के ऊपर डिफरेंट पोजेस रख लिए जाए तो ये हमारा जो है एनिमेशन हम वहाँ जाके वहाँ ले जा सकते हैं। तो यहाँ जो है इसके अंदर पोजेस का ऑप्शन भी है, इसके अलावा यहाँ और भी ऑप्शन हैं, एडिट फेशियल्स हैं, ठीक है, मतलब फेस के जो जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी हैं यहाँ पे, एक्सप्रेशन हैं, ये लाइक थोड़ा हैवी है टूल ये, इसमें आप उसको स्माइल हैप्पी की जरूरत में रखना चाहते हैं तो हैप्पी हो जाएगी तो उसको आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा बॉडी फेशियल भी है कि यहाँ से आप खुद से जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स को, आईज को, नोज को, लिप्स को, ठीक है, इसके अलावा फेस वगैरह को जो है आपको चेंज कर सकते हैं, साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा है रीइल्यूजन करेक्टर क्रिएटर। इसके अलावा रीइल्यूजन में आइक्लोन भी आता है, तो आइक्लोन भी बड़ा अच्छा टूल है। तो ये अब ये तो हो गई हमारी वहाँ तक फैसिलिटी कि हमने करेक्टर बना बनाया उठा लिया, ठीक है जी, करेक्टर हमने ले लिया। और करेक्टर हम ले आए वहाँ से और जो है उसके अंदर जो वर्किंग मौजूद थी वही की। अब सपोज ऐसा होता है कि अब यहाँ भी जो ड्रेसेस वगैरह की सिटी है वो मौजूद है, जो मौजूद है हमारे पास जो अवेलेबल है तो हम उसी को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी हमारे पास है, अगर हैं तो वो परचेज़ वगैरह करने, ठीक है, तो परचेज़ करने के लिए क्या है, तो हम लोग तो परचेज़ तो नहीं कर सकते चीज़ें, तो अगर बनानी पड़ जाए तो फिर क्या करेंगे, यानी अगर हम चाहें कि कुर्सी कोई ऑब्जेक्ट ले लें हम लोग तो उसको हम जो है किसी ऐसे टूल में लेके जाएं जिसके अंदर कि हम उसे वर्किंग कर सकें। तो यहाँ मेरे पास मार्वेलस डिज़ाइनर भी है, तो इसको करिए टूल्स हैवी हैं सारे, यानी ये भी मैक्स में भी 19 है, इसके अलावा ये जो है वेक्टर क्रिएटर ये भी हैवी है और भी प्रोग्रामर भी हैवी है, उसके साथ इसको चलाना थोड़ा है मुश्किल होगा, हालांकि i7 8 GB रैम के साथ है, तो फिर भी यानी यहाँ आप क्या कर सकते हैं, अगर मार्वेलस डिज़ाइनर आपने यूज़ करना है तो मशीन को देखते हुए आप करेंगे तो इसके मुख्तलिफ वर्जन अवेलेबल हैं, वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड्स के लिंक्स दे दूँगा मुख्तलिफ वर्जन से, अगर आपकी मशीन हल्की है ज़्यादा तो आपके ग्राफिक्स कार्ड वगैरह नहीं लगे हुए, नॉर्मल PC है, तो नॉर्मल PC की सूरत में मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप जो है जो मार्वेलस डिज़ाइनर है ये 7 या 6 करें, ठीक है, तो 6 से 5 से 4 5 6 7 8 9 तक ये अवेलेबल है, ठीक है, तो फ्री में अवेलेबल है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो उनके अंदर ही होता क्या है, उसके अंदर ही होता है कि आप ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। लाइक ये एक वीडियो है, इसके अंदर जो है ये डिज़ाइनिंग का तरीका बता रहे हैं। ये सिस्टम हैवी होने की वजह से मैं दोनों को नहीं चला सकता, लेकिन ऐसे ही है जैसे आप पहले कम पेपर के जरिए आप कोई चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, और उन डिज़ाइनिंग जो आप क्या कर रहे हो जो है यूज़ कर रहे हो अपने ये कि आप इसके अंदर ये कपड़ों का डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी कि आप खुद से डिज़ाइन करेंगे कपड़ों का, तो फिर जो है उन कपड़ों को जो है आप उस डिज़ाइंड ऑब्जेक्ट को आप फिर किसी भी टूल में ला के वहाँ से या फिर डायरेक्टली 3D Max में इम्पोर्ट कर लेंगे उसको ऑब्जेक्ट को, ठीक है, विद आपकी जो करेक्टर है करेक्टर के साथ। तो हम अगले लेसन में इंशाल्लाह इन डेप्थ इसको भी पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम करेक्टर क्रिएटर है। इसके अलावा एग्जाम तो हमने पहले स्टडी किया हुआ है, इसके अंदर तो कोई इतनी खास चीज़ें या ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि बंदा स्टडी कर सके या कोई काम करने वाली मजीद चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ वर्किंग है यहाँ, यानी अभी हमने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया रिगिंग को। रिगिंग को इसलिए पोस्टपोन किया कि पहले हमारे पास बिल्ट इन कोई ऑब्जेक्ट्स मिल गए, जैसे रिलेटिव ऑब्जेक्ट्स मिल गए अगर हमें, तो फिर हम क्या करें, तो इस तरह जी हम इसे इंपोर्ट वगैरह कर लेंगे। इंपोर्ट के बाद रिगिंग का प्रोसेस होगा, तो रिगिंग का प्रोसेस हम अभी इसको प्रोलॉन्ग करते हैं, हम अब नेक्स्ट लेसन में हम लोग इसकी रिगिंग करेंगे। तो फिलहाल यानी हमने क्या चीज़ पढ़ी कि हमने कैसे जो है चीज़ों को डिफरेंट जगहों से लाना है, और वो प्री डिफाइंड चीज़ें हों कि बनी हुई चीज़ें हों, और हमने बनी हुई चीज़ों को जो है करेक्टर बनाना ना पड़े, करेक्टर बना बनाया हम कहाँ कहाँ से ला सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमो फ्यूज़ है, सेकंड ऑप्शन जो है रियलूजन क्रिएटर है या फिर आइक्लोन है, और इसके अलावा थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या है, मार्वेलस डिज़ाइनर है। मार्वेलस डिज़ाइनर के अंदर भी आप चीज़ को डिज़ाइन करके उसके क्लॉथ वगैरह डिज़ाइन करके यानी ड्रेस वगैरह हम खुद डिज़ाइन कर सकें, क्योंकि यहाँ डिज़ाइन जो है वो एज़ पर परचेज है कि हम जो जो चीज़ें नई नई चीज़ें जो ड्रेस नया डिमांड करेंगे तो वो हमें परचेज़ करना पड़ेगा, जो अवेलेबल है टेम्पलेट्स में वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ड्रेस नहीं है तो देन वो हमें क्या करना है, परचेज़ करना है, या फिर हमें क्या ऑप्शन मौजूद है कि हमारे पास यहाँ कुछ साइट्स मौजूद हैं जो कि हज़ारों के हिसाब से जिनके अंदर चीज़ें मौजूद हैं और रिग्ड कंपोनेंट्स भी हैं जिनमें क्लॉथ वगैरह भी मौजूद है, ठीक है, तो जिनको हम डाउनलोड करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स अपनी एनिमेशन के अंदर 3D Studio Max में। और यहाँ से आके अगर तो आपकी एनिमेशन है वो तो डायरेक्ट प्ले होगी, ठीक है, लेकिन अगर आप टी पोज लाए हैं तो टी पोज में आपने रिगिंग करनी है, तो रिगिंग कैसे करनी है वो हम नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। और इन चीज़ों के बारे में या आपने कोई वेबसाइट्स के लिंक्स यहाँ मौजूद हैं इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, और टूल्स को डाउनलोड करने होंगे इस तरह के तो वो हम उसमें करेंगे। तो अभी हमने नेक्स्ट जो है क्लास डिज़ाइनिंग के मार्वेलस डिज़ाइनर का एक लेसन इसमें बीच रखेंगे, फिर हम रिगिंग पे आएंगे, ठीक है। तो रिगिंग भी हमने करनी है, इसलिए रिगिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें एक प्री डिफाइंड हम लोग को जो मॉडल है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, तो प्री डिफाइंड मॉडल्स कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं वो हमने उन चीज़ों को पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर हम जो है रिग्ड कंपोनेंट्स जो हमें मिल रहे हैं जिनमें रिगिंग हुई होगी, लेकिन हमने अगर रिग करना है तो वो हम कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेसन में हमारे पास अभी नेक्स्ट में क्या है, मार्वेलस डिज़ाइनर है जो कि बड़ा अच्छा टूल है, ज़बरदस्त टूल है, जो कि फैसिलिटी देता है कि हम कब क्लॉथ वगैरह डिज़ाइन करें, कपड़े डिज़ाइन कर सकें, ठीक है, जो मतलब ये ड्रेस डिज़ाइनिंग सीखना चाह रहे हैं तो वो भी उसके अंदर बड़े मज़े से सीख सकते हैं। तो अलहदा अलहदा पोर्शन क्लॉथ्स के होते हैं जो कि वहाँ यूज़ होते हैं तो वो किए जा सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर बहुत ये लाइक ये देख लें बड़ा मज़े का टूल है, तो ये हम नेक्स्ट जो है इसको स्टडी करेंगे। तो ये भी जैसे सॉफ्टवेयर हैं ये भी आपको डाउनलोड के जो आपका डिस्क्रिप्शन के लिए जगह है वहाँ से डाउनलोड में मिल जाएंगे, ठीक है, इनके लिंक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट लेसन भी रेडी करना और प्रीवियस लेसन को ज़रूर व्यू करें, अगर व्यू करेंगे तो आपको अगली सीढ़ियों का पता चलेगा, अदरवाइज़ अगली सीढ़ियाँ सिर्फ कहानियाँ नज़र आएंगी आपको, क्योंकि हर पिछला स्टेप जो है हमारा वो अगले स्टेप से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।